आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने ये सुंदर शाम को हमारे जीवन में दिया और ये समय परमेश्वर हमारे जीवन में लाया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जा सकें। सच में परमेश्वर ने आज दिन भर में संभल के दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाकर ये समय हमें दिखाया कि हम उस परमेश्वर पिता का आज पूरे दिन भर के लिए धन्यवाद कर सकें। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 70:4 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वह निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। आमेन। सच में जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अपने हर्ष, अपने आनंद को देता है। और जितने उससे उद्धार चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा, अपने जीवन में चाहे उन्होंने कितने भी गलत काम किए हैं, उसकी क्षमा परमेश्वर उन्हें देता है, वह निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते रहें। क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है और वह निरंतर परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई कर सके, क्योंकि बड़ाई और स्तुति के योग्य सिर्फ परमेश्वर हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर से जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब के लिए हम परमेश्वर पिता से दुआ करेंगे, और जितने भी लोग हमें मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को भी सुनेगा। हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने दिन भर संभाल कर प्रभु जी ये शाम के समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आप लेकर आए। प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु। न जाने कितने लोगों ने प्रभु आज पूरे दिन को नहीं देखा प्रभु, और पिता आपने हमें आज की शाम को दिखाया परमेश्वर, इस बात के लिए हम आप दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके अगापे प्रेम के लिए, धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं। आप उद्धार देने वाले परमेश्वर, आप अपने लोगों को हर्ष और आनंद से भरने वाले परमेश्वर हैं। पिता आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। सच में मेरे प्रभु हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे यीशु, हम हर एक को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर छोटे से लेके बड़े बुजुर्गों तक पिता हर एक जन को आपकी इस पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। प्रभु आप हर एक को अपनी पवित्र उपस्थिति में ले लीजिए, छू लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज दिन भर में प्रभु आपने प्रभु हर एक को संभाला प्रभु जी, बीमारियों से, कलेश से परमेश्वर पिता, दुर्घटनाओं से प्रभु धन्यवाद करते हैं। पिता मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक के जीवन में अपने सुख समृद्धि आशीषों को दें पिता परमेश्वर। हर एक के परिवार में प्रभु आप बहुत तायत की आशीषों को दें प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि आज की रात में परमेश्वर पिता दिन भर में आज बहुत से टेंशनों में लोग रहे हों पिता, प्रभु हम उन चिंताओं को दूर करते हैं प्रभु, क्योंकि जो लोग तुझे ढूंढते हैं प्रभु आप उन्हें हर्ष और आनंद से भरते हैं प्रभु। अपने हर्ष, अपने आनंद को हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के जिंदगी में प्रभु आप दें परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप हर एक को अपनी आशीषों से मामूर करें प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन को प्रभु आप कर्जे से बचाएं, बीमारियों से बचाएं, कलेश से बचाएं, बुरी लतों से बचाएं, शैतान की गड़बड़ियों से, उसकी गलत युक्तियों से बचाएं परमेश्वर। प्रभु आज की रात में आप अपनी शांति को हर एक को प्रदान करें प्रभु यीशु पिता। जाने अनजाने भूले भटके प्रभु आज के दिन में जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु यीशु आप क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, हमारा हमारे पापों से उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपने हर एक को उद्धार दिया है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सबसे प्रेम करते हैं प्रभु, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद पिता। जो भी प्रभु जी बीमारी में है प्रभु यीशु आप उसे बीमारी से छुटकारा दें, चंगाई दें, छू लीजिए और चंगा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हर एक बीमार चंगा हुआ है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो कोई आपको ढूंढता है प्रभु जी वो हमेशा आपकी बड़ाई करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आश्चर्य कर्मों को करने वाले प्रभु हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे के लिए प्रभु जो स्टडीज कर रहे हैं पिता, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु पिता। जिनके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है प्रभु आप उनके कारोबार में वृद्धि दीजिए परमेश्वर। प्रभु जिनके रिलेशनशिप में गड़बड़ियां और प्रभु अविश्वास चल रहा है यीशु मसीह वो कैंसिल करते हैं प्रभु, आप उनके विश्वास को बढ़ाएं
नहीं है। पिता परमेश्वर प्रभु गलत रिलेशनशिप में जो फंसे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें गलत रिलेशनशिप से बाहर निकाले पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो एडिक्शन में फंसे हैं प्रभु, आप एडिक्शन से निकालें। जो डिप्रेशन में है प्रभु यीशु, आप उन्हें डिप्रेशन से निकालें। प्रभु जो टेम्पटेशंस में है प्रभु यीशु, आप उन्हें टेम्पटेशन से निकालें प्रभु यीशु। धन्यवाद। जो अपनी जॉब की चिंताओं में है प्रभु, जो गवर्नमेंट सर्विस को चाहते हैं प्रभु, आप उनके मनोरथों को पूरा करें पिता, आप उनके लिए मार्ग तैयार करें। सच में प्रभु जो तुझे ढूंढते हैं वे तेरे कारण हर्षित और आनंदित होते हैं। पिता धन्यवाद कि आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया और ग्रहण किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। पिता धन्यवाद कि हर एक के जीवन में आपने अपनी आशीष और अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी भलाइयों को दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।